डोम लाइट एस डी आर में कैसे लगता है फिर डोम के अंदर हम लोग डालेंगे एस डी आर आर ठीक है सबसे पहले वीरे डोम के अंदर एस डी आर डालते हैं बाकी साल उनका थोड़ा टाइम बाद देखते हैं ठीक है पहले यहाँ पर जाएंगे डोम ले लेते हैं डोम क्रिएट किया है यहाँ पर हो गया क्रिएट डोम राइट अभी डोम तो अभी काफ़ी प्लेन है अभी मैं इसको रेंडर करूँगा तो काफी प्लेन लगेगा क्योंकि तो है नहीं कुछ भी एस डी आर ही है अगर मैं रेंडर भी करूँगा तो पूरा वाइट वाइट दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा आपको इस तरह से खाली बड़ा सर नाटा कुछ नहीं है इसमें अब देख सकते हो तो, व्हाइट व्हाइट है तो इसके अंदर बैक इधर पे ग्लास पे क्या रिफ्लेक्शन है पूरा व्हाइट वाइट रिफ्लेक्शन आ रहा है मैंने ग्लास दिया उधर बनाया ग्लास अपने विंडो के ऊपर तो इधर रिफ्लेक्शन भी व्हाइट वाइट आ रहा है अभी देखोगे एस डी आर का फायदा क्या होता है अगर मैं इधर पे डालूंगा तो उसका रिफ्लेक्शन भी इधर पे आने लगेगा ग्लास के ऊपर ठीक है अभी यहाँ पर डालते हैं हम लोग डालते हैं उसके ऊपर कुछ एस डी आर आई डी आर आई में मैं यहाँ पर डालता हूँ एस डी आर आई में मेरे पास इधर पे कुछ कुछ एस डी आर आई हैं सन के भी है पैरामीटर भी है मैं इंटीरियर के भी ले सकता हूँ नहीं इंटीरियर के लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए थोड़ा मैं इन्वॉलमेंट कुछ जिसके अंदर कुछ ज़्यादा इन्वॉलमेंट हो हाँ इसको अप्लाई करते हैं ग्राफिटी वाला ये वाला ठीक है इसको मैं असाइन करता हूँ यहाँ पर अभी उसको असाइन करने के लिए मेरे को पहले जाना पड़ेगा अपने मैप यहाँ पर क्लिक करते हैं डोम में गया डोम में होता है इधर पे नन टेक्सचर के जस्ट नीचे ठीक है क्लिक किया क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर हमको जाना है वीरे एस में ये वीरे एस आपको मैं वीरे 3.60 यूज़ कर रहा हूँ वीरे एस मेरे को दिख रहा है और आप वीरे फाइव या वीरे सिक्स यूज करोगे तो उसके अंदर आपको वीरे बिट मैप के नाम से ये मिलेगा वीरे एस आपको वीरे बिट मैप के नाम से मिलेगा ठीक है और आप वीरे फाइव या वीरे सिक्स के वीरे बिट मैप के नाम से ये मिलेगा और आपको पुराना वर्जन यूज़ करो वीरे फोर या पुराना वर्जन यूज़ करो वीरे एस डी आर आई के नाम से ये रहेगा ये ये मैप ठीक है क्लिक करने के बाद आपको इधर वीरे एस डी आर आई लेना है वीरे के स्लॉट में से एंड ओके करना तो ओके करने के बाद फिर इस तरह से ये विंडो ओपन हो जाता है आपको एस डी आर आई को सिलेक्ट करना पड़ेगा जहाँ पर अपने जो एस डी आर आई को आप अप्लाई करना चाहते हो तो मैं जो एस डी आर ऑ को अप्लाई करना चाहता हूँ मैं उसको यहाँ पर से ले, ले लेता हूँ मेरे को ग्राफिटी वाला चाहिए था तो ग्राफिटी वाले को ही ले लेता हूँ जी 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 वेयर इज ग्राफिटी ये रहा इसको लिया एंड ओपन करता है ओपन कर लिया एक बार फिर से रेंडर मारते हैं क्या आ रहा है हमारे पास देखो पूरा ग्राफिटी नजर आ रहा है यहाँ पर ठीक है अब देखो उसका अपोजिट में ट्रांसफेट है मेरा ग्लास तो इसलिए मेरे को ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा दिख रही है मैं अपने ग्लास में रिफ्लेक्शन बढ़ा देता हूँ तो मेरे को रिफ्लेक्शन ज्यादा दिख अपने ग्लास के रिफ्लैक्शन्स को अगर मैं बढ़ा दूँगा क्लिक किया इसको क्लिक किया इसके ट्रांसपेरेंसी को मैं कर देता हूँ कम इससे रिफ्लैक्शन्स को बढ़ा देता हूँ हंड्रेड परसेंट क्लियर ठीक है अगर मैं रेंडर करूँगा तो क्या होगा मेरे में रिफ्लेक्शंस ज़्यादा आएंगे मेरे सीन में यानी मेरे ग्लास के ऊपर Reflexions, अभी देखो इसमें पे रिफ्लैशंस आ रहे हैं ये रिफ्लैक्शन है रिफ्लैक्शन है क्या नहीं इसको देखने के लिए मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ देखिए ठीक है ये, ये रिफ्लैक्शन है इसमें आ रहे हैं मेरे ये ग्लास के ऊपर ये विंडो के ऊपर रिफ्लैक्शन गिर रहे हैं इसके अपोजिट नजर आ रहा है इसके ट्रांसपेट होता तो इसके आर पार नजर आता और मैं आर पार करने के लिए फिर से अगर इसके मटेरियल में अगर मैं इसका रिफ्लेक्शन को फिर से रिफ्लेक्शन को बढ़ा दिया फिर देखोगे तभी तो इसके अंदर आर पार नजर आने लग गया अभी ठीक है अब ये लग रहा है कि हाँ ये जो विंडो है इस जगह पे पड़ा हुआ है इस एनवॉयमेंट पे ये विंडो रखा हुआ है ऐसा फील हो रहा है कि ये विंडो ठीडी नहीं है एक कोई ऑब्जेक्ट है इस इन्वॉर्मेंट पे रखा हुआ है ऐसा फील हो रहा है इस वार्मेट का पार्ट है ऐसा लग रहा है ये जो विंडो मैंने अभी यहाँ पर जो क्रिएट किया हो तो इस तरीके से एस डी आर आई कर सकते हैं अभी एस डी आर आई ऐसे बना दिया पे आ गया ओके अभी बोले कि अभी इसमें शेडोज वगैरह ऐसे कुछ डाल डालने अभी देखो शेडोज नहीं आ रहे इसमें ना ही शेडोज आ रहे हैं ना ही कुछ आ रहा है इसमें वैसे अभी ये लाइटिंग्स आ गई है बस अभी मैं अगर इसके अंदर प्लेन डालता हूँ प्लेन बनाता हूँ उसके नीचे लाइक प्लेन लाइक like इकतीस फिर से रेंडर करते हैं अब देखो अभी इसके शेडोज नहीं बन रहे हैं शेडोज भी बहुत ही माइनर बन रहे हैं मगर शेडोज़ का देखो डायरेक्शन कैसा बन रहा है ऐसा बन रहा है और जैसे कि यहाँ पर से लाइट आ रही है हल्की हल्की वजह कि ये काफ़ी शार्प लाइट चाहिए मगर वैसी लाइट नहीं बन रही है यहाँ पर जैसा हमें को लाइटिंग चाहिए बस हल्का हल्का लाइटिंग आ रहा है मगर उतना शार्प लाइट नहीं आ रहा है मेरे को एक शार्प लाइट चाहिए तो मेरे को इधर से सन लाइट डालना पड़ेगा अभी सन लाइट डालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ सनलाइट डालते हैं अभी यहां पर हम लोग हम लोग को सनलाइट अगर डालना है तो क्रिएट करते हैं सनलाइट को ठीक है सनलाइट को डालते हैं सनलाइट में यहां से लेता हूँ सन यहाँ से लिया क्लिक किया एंड क्रिएट किया अभी एक बार मैं इसको लाइव एंटर करके देखता हूँ क्या सीन बन रहा है यहाँ पर तो ब्राइटनेस ज्यादा आ रही है यहाँ पर ब्राइट फिर तो सन की लाइट आ रही है बहुत ब्राइट बाकी हमारे बैकग्राउंड पे इफेक्ट क्योंकि बैकग्राउंड है वो उसको क्या फर्क पड़ता है अपना मेन ऑब्जेक्ट तो ये है हम लोग को अभी अपनी सन लाइट को अपने बैकग्राउंड के इफाक तरीके से वैसा एडजस्ट करना पड़ेगा तो पहले तो सन लाइट को हमें कम करना होगा ताकि हमारे बैकग्राउंड के साथ में मैच कर सके इसकी इंटेंसिटी को मैं कर देता हूँ ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो जीरो वन करता हूँ पहले अब देखते तो दो सेट बन रहे हैं थोड़ा मैं लाइट को और भी इंक्रीज करता हूँ ठीक है अभी इसके जो आ, लाइटिंग को मेरे को घुमाना पड़ेगा अपने एस के हिसाब से मेरा एस का इफ़ेक्ट कहाँ पर से जा रहा है उसके हिसाब से मुझको डालना पड़ेगा हो गया परफेक्ट मैच जैसे अभी थोड़ा और डार्क चेड्यू मुझे तो डार्क शेड्यू ले सकता हूँ थोड़ा सा मेरे को अपना जो लाइट का इंटेंसिटी और क्रिएट इंक्रीज करना पड़ेगा जीरो पॉइंट टू होना चाहिए like this